पाम ऑयल, नाम तो सुना ही होगा। चाहे किसी प्रकार का जंक फूड हो, स्ट्रीट फूड हो, आइसक्रीम, पिज्जा, डोनट्स, चॉकलेट, डिओड्रेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट, लिपस्टिक तक, हर चीज में पाम ऑयल का इस्तेमाल बड़े धड़ल्ले से होता है। लेकिन दोस्तों, पाम ऑयल हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में बहुत गंभीर खतरे का सौदा होता है। हाई बीपी, हाइपरटेंशन से लेकर लिवर, किडनी तक, इन सब के लिए बड़ा नुकसान है। ऐसे में पाम ऑयल का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? हर चीज में पाम ऑयल को क्यों डाला जाता है? लोग इसे क्यों इतना खा रहे हैं? और सवाल यह है कि जब ये इतना नुकसानदेह है तो इसके इस्तेमाल पर कोई रुकावट भी क्यों नहीं है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस रिपोर्ट में दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, पाम ऑयल रोजाना खाने वाली कई चीजों में खूब इस्तेमाल होता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इसके बगैर नहीं चल सकती। स्थिति ऐसी हो गई कि देश में जितने भी कुकिंग ऑयल मिलते हैं उन सभी में पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में आप मार्केट से कोई भी पैकेज्ड फूड आइटम उठा तो लीजिए, पाम ऑयल हर चीज में आपको मिल जाएगा। ये सुपरमार्केट में मिलने वाले लगभग 50% पैकेज्ड प्रोडक्ट में शामिल होता है। लेकिन साथियों, सबसे हैरत की बात यह है, ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। इससे पहले कि हम ये समझे कि इसके नुकसान क्या है, पहले ये जान लीजिए कि पाम ऑयल होता क्या है। पाम ऑयल ये एक खाद्य वनस्पति तेल है जो ताड़ के पेड़ों से मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम इलेइस गुनेंसिस है। ताड़ के पेड़ ज्यादातर अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन 100 साल पहले सजावटी पेड़ों के तौर पर इन्हें अफ्रीका से दक्षिण पूर्व एशिया में भी खूब उगाया गया। आज की स्थिति यह कि इंडोनेशिया और मलेशिया पाम ऑयल की जो वैश्विक आपूर्ति है वो 80% से ज्यादा हिस्सा जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से होता है। साथियों, पाम ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं। पाम ऑयल में कई गुण भी पाए जाते हैं जो इसे इतना उपयोगी बनाते हैं। ये अलग अलग प्रोडक्ट को लंबी और सेल्फ लाइफ दे सकता है। ये तले हुए उत्पादों को कुरकुरा बनाने में थोड़ी मदद करता है। ये गंधहीन है, यानी इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ये रंगहीन है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। इसीलिए खाद्य उत्पादों के रूप या गंध में कोई बदलाव नहीं करता है। यानी जिस चीज में ये मिल जाता है उसमें ना तो इसका कोई कलर दिखता है, ना ही कोई स्मेल आती है। एशियाई और अफ्रीकी देशों में ताड़ के तेल का उपयोग खाना पकाने के तेल के रूप में खूब किया जाता है। बाजार में मिलने वाले किसी भी कंपनी के चिप्स में पाम ऑयल जरूर होता है। इसी प्रकार बर्गर, पिज्जा और अन्य जितने भी फास्ट फूड हैं उन सब में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। साथियों, अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। भारत दुनिया में इस तेल की कुल खपत का करीब 20% इस्तेमाल करता है। यानी पूरी दुनिया में पाम ऑयल जितना इस्तेमाल होता है, 100% इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका 20% हिंदुस्तान में होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में पाम ऑयल कितना ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये ऑयल सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है? इतना खतरनाक कि ये मौत का कारण भी बन सकता है। आइए अब आप पाम ऑयल के नुकसान समझ लीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाम ऑयल में ट्रांसफैट और सैचुरेटेड फैटी एसिड की काफी अधिक मात्रा होती है, जिससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक होने का खतरा रहता है। इससे शरीर में LDL यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड वो भी बढ़ते हैं। इससे हार्ट अटैक का चांस जो है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। पाम ऑयल का इस्तेमाल शरीर में मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके कारण पाचन संबंधी यानी हमारी जो पेट संबंधी समस्याएं वो भी बढ़ने लग जाती है। साथियों, पाम ऑयल के ज्यादा सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित हो सकती है जो डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, पाम ऑयल में होने वाला जो सैचुरेटेड फैट है वो कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है, खासकर कॉलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। साथियों, पाम तेल का इस्तेमाल हमारी लिपिड प्रोफाइल को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे शरीर से जुड़ी कई तरीके की समस्याएं हमारे उत्पन्न हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, कितने सारे इसके नुकसान हैं। साथियों, भले ही पाम ऑयल हमारे घरों में सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बाजारों में जो भी वेजिटेबल ऑयल हैं
उन सब में ये मिला होता है। जाने अनजाने में लोग रोजाना इस पाम ऑयल को कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हमारी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब जब हम रोजाना पाम ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे होने वाले खतरे क्या हैं, ये भी हमको जरूर जरूर समझ लेना चाहिए। कई रिपोर्ट्स बताती है कि पाम ऑयल के इस्तेमाल से हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, जो बाद में हार्ट डिजीज का कारण बनती है। क्योंकि जंक फूड खाने का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया है और हर लोग हर दिन किसी न किसी रूप में जंक फूड या स्ट्रीट फूड का सेवन जरूर करते हैं। ऐसे में हार्ट की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, साथ ही इससे मोटापे की समस्या भी हो रही है। पाम ऑयल के इस्तेमाल से जो हार्ट स्ट्रोक है उसके आने का भी खतरा रहता है। साथियों, चूंकि पाम ऑयल का इस्तेमाल जंक फूड में खूब धड़ल्ले से किया जाता है, यही वजह है कि जो बच्चे जंक फूड खूब खाते हैं उनमें फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और इसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में। साथियों, पाम ऑयल हमारे हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। इससे हार्ट की आर्टरीज में अधिक मात्रा में जो फैट है वो जमा होने लग जाता है, जो हार्ट ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। अगर शरीर में इनका लेवल 400 से अधिक हो जाता है तो हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि पाम ऑयल के सेवन से आप बचें, इसे कंट्रोल करें। दोस्तों, जब पाम ऑयल के इतने इस्तेमाल हैं तो आप घर के खान पान में ऑलिव ऑयल या सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर का जंक फूड है उसे आप अवॉइड कीजिए, उसे खाने से बचिए। अगर बाहर कुछ खा भी रहे हैं तो खानों के पैकेट पर उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कीजिए, क्या उसमें पाम ऑयल है, और अगर है तो कितनी मात्रा में, ये ज़रूर देख लीजिए। आप पाम ऑयल का इस्तेमाल अगर ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो यकीनी तौर पर आप बीमारियों के घेरे में गिरते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने पाम ऑयल को लेकर के आपको दी है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे की साबित होगी। आज आप मार्केट से कोई भी पैकेज्ड फूड आइटम उठा लीजिए, उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए, उसमें आपको पाम ऑयल लिखा मिल ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, पाम ऑयल के सेवन से, ज़्यादा सेवन से आपको बचना ही पड़ेगा अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अगर आपको अपने शरीर के एक एक अंग से प्यार है। तो दोस्तों, पाम ऑयल के ज़्यादा सेवन से बचें, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, खुद सेहतमंद रहें, अपने परिवार को भी सेहतमंद रखें। अगर पाम ऑयल को लेकर के ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक ज़रूर दें इसको, इस वीडियो को लेकर के कॉमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस तरीके की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप अपने इस चैनल मेडिकली स्पीकिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।